Hey guys, assalamualaikum, adab, sasyakal, wanakam, welcome back to the channel. Make sure you guys subscribe to my channel and turn on the bell icon to be notified on my every update. Also, do follow me on my Instagram and turn on live story post IGTV notifications. Filhal, dopher ke bajre 12 aur main ghar se nikal raha hu. Jaisa main bola tha, living in my car for 24 hours. Nahi, wo vlog nahi hai ye. To hum log yahan DI Awards function ko ja rahe hain. Uske bare mein bol to main clearly. Luggage pura la liya tha, to fatfat suitcase sa car mein dal deke jaake chashme pehen ke aaya. Filhal to apne ko time ho raha, niklenge, raste mein baat karenge apan. मेरे साथ मैं प्रवीण और फयाज दोनों को लेके जा रहा हूँ और लोग फोना कर रहे हैं क्या हो रहा है 10 बजे निकलेंगे बोले 12 बज रहे हैं बोल के बिना देर करे निकल जाएंगे अभी फिलहाल माइस लेट करो बोले तो है मेरे दोस्ता लगा और आधा घंटा कर ये एंड टाइम पे फयाज फातिमा नगर में है और प्रवीण शू पॉलिश करा ले रहा मैं यहाँ पे ठहरे हुआ हूँ ये खाजीपेट जो रेलवे स्टेशन है तो ये है वो रेलवे फंक्शन हॉल और यहाँ पे चल रहा ब्लड डोनेशन कैंप और ये रहे मिस्टर फयाज शेख तो मैं बोला ऐसी ड्रेसिंग करके निकल रहे आप बोले तो हाँ और अगर अच्छा नहीं दिख रहा हो तो वहाँ पे कुछ भी खरीद लेता हूँ बोले नो ये राहुल कुर्सपल्ली है इनके फादर कुर्सपल्ली रविंदर अंकल कर रहे ये ब्लड डोनेशन कैंप रेवंत कुर्सपल्ली और ये है वेंकट इच्छना ब्लड चूपी सर्टिफिकेट वेंकट वाओ इक्कर ना वी आल्सो हैव दीपक ब्रो इच्छना ब्लड चूपी सर्टिफिकेट All right. Good job, huh? Great job. Smile. Hello, uncle. Great job. ये हॉर्लिक्स है ये उशाम एनो शन्ना बैठे हुए यहाँ पे एनो शन्ना हाय और यहाँ पे विक्टर शेरोक्स और वेंकट यहाँ आशिकी में मौजूद टिंकू अन्ना हेलो टाइम हो रहा अपना देखो आप दीपिल है ये दीपिल का भाई ये शिवा ये एशली राहुल यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब राहुल को नहीं बोल के सल्लू बाहर निकल गया राहुल आई एम रियली सॉरी इन ब्लड इस्ता यानी सेम डे अवार्ड्स फंक्षन वच्चिंदनी इव्वलेकपोतुन्ना नन्नु क्षमिंचु आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स देखो एक तो कल रात में नींद नहीं है मैं को 4 बजे सोया मैं 9 बजे उठा और एक तो 4:30 बजे इवेंट शुरू होने वाला है वो लास्ट ईयर भी मैं लेटेस्ट गया हूँ आज भी लेटेस्ट जा रहा हूँ फिलहाल द टाइम इज 12:40 तो फाइनली प्रवीण इज हियर और फयाज भी दोनों भी आ गए और मैं आप लोगों को हम लोग कहाँ जा रहे हैं कि नहीं बोला लास्ट ईयर फेब्रुवरी 11th के दिन डिजिटल इन्फ्लुएंसर अवार्ड बोल के एक इवेंट हुआ DIA का तो वो अवार्ड फंक्शन को मैं गया था किस्मत की शूटिंग हुई थी 9 तारीख तक और 10 तारीख को मैं पौंडीचेरी से वरंगल वापस आया था और वरंगल से फिर हैदराबाद गए थे हम लोग 11 तारीख अवार्ड फंक्शन को एंड आई रियली फेल्ट हैप्पी आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड राइजिंग यूट्यूबर कैटेगरी में अवार्ड मिला था मेरे को DIA 2020 का इस साल DIA 2021 सेकेंड सीजन अवार्ड फंक्शन है मैं नॉमिनेट तो हुआ बट अवार्ड मिलता नहीं मिलता देखेंगे 500 से 700 फेमस इन्फ्लुएंसर्स को लोग इनवाइट करे तो मैं ऐसा भी सोचा कि एक इन्फ्लुएंसर्स कनेक्ट के जैसा हो जाता अपन इन्फ्लुएंसर्स से मिल सकते एक्सपीरियंस शेयर कर सकते और काम वाम कुछ भी जान सकते आगे कुछ कोलैबोरेशन भी करना है वैसा कॉन्टैक्ट बनता बल्कि जा रहा हूँ मैं इवेंट में खाली हाथ तो आना नहीं है अवार्ड लेके जाना है आई होप आई विल गेट वन तो हम लोग अभी अभी स्टार्ट हुए फयाज को ड्राइविंग पे बिठा दिया फयाज ड्राइविंग कर ले रहा मेरे को लाइट नींद आ रही एक घंटा ऐसा सो के उड़ता हूँ सो फाइनली हम लोग पहुंच गए ये नोवोटेल जो कॉन्वेंशन सेंटर है उस पे हो रहा इवेंट ये और मैं क्या करा दिमाग से बिल्कुल उसको जो चिपक के नोवोटेल की होटल है उसमें से रूम लिया हम लोग एंड आई विल शो यू द रूम बिकॉज रूम टूर तो बनता है भाई एज यूजुअल यहाँ पे कॉफी के सैचेट्स है कप्स वाटर बॉटल्स ये मेरा मास्क ये जो है अर्निंग के लिए ये वार्डरोब है जिसमें कपड़े अपड़े लटका ले सकते अपन ये होटल का नक्शा है ये होटल का दरवाजा है और ये रहा बाथरूम अब कोई भी रूम को जाओ कोई भी होटल को जाओ सबसे पहले अपन बाथरूम में जाना मतलब ये रूम थोड़ा कंजेस्टेड है बट बहुत अच्छा है मतलब एकदम नीट है यहाँ पे शावर बाथटब एक मिसिंग है और ये रही क्वीन साइज बेड और यहाँ से बाथरूम का व्यू दिखता एकदम क्लास इंटीरियर है इसका यहाँ पे फयाज शेख फोन से फोटो शूट करते हुए ये रहा मेरा लगेज बैग तो यहाँ से दिस दिस ब्यूटिफुल रूम व्यू तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल रूम बहुत अच्छा रूम है और रूम के ये कोने से जो व्यू दिख रहा नीचे से स्विमिंग पूल आजू बाजू वो झाड़ा आया है गोवा की फीलिंग आ रही है बिकॉज ये होटल के आसपास अतराफ पूरे झाड़ा ही से एक घंटा सोया मैं कार में पावर नैप लिया पावर नैप तो 10-15 मिनट की थी मगर मेरी पावर नैप एक घंटे की थी और अभी अभी हम लोग आप पहुंचे चेक इन करे रूम के अंदर आए रूम टूर करे अभी टाइम तो है नहीं रेस्ट करने का रेस्ट करना है तो रात में ही करना है अभी फटाफट से मैं जाके नहा ले कर लेके फ्रेश अप होके इवेंट के लिए तैयार होता हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4:25 4:30 को शुरू होने वाला
वाला इवेंट 4:30 बोलते कि 4:30 को जाते हैं, पर नहीं ना, एक 5 बजे तक भी चले गए तो ठीक है, अपने पास आधा घंटा है तैयार होने के लिए। वेल ये लोग ऑलरेडी तैयार होके है, मैं तैयार नहीं होके हूँ, स्लीव में हूँ और मैं ऐसे आ गया। जल्दी जाके फ्रेश अप होके नहा के करके तैयार हो जाता हूँ, तैयार होके आप लोगों को मिलता हूँ, ठीक है, टिल देन। फाइनली मैं फ्रेश हो गया, तैयार हो गया, टाइम देखो 5:05, इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस। वहाँ पे भी स्विमिंग पूल का व्यू है, हम लोग ऑल सेट टू गो। इमरान राइडर भी रेहान वखार दोनों कॉल करे, वो लोग आ रहे हैं, कहते हैं आने के लिए और एक आधा घंटा या घंटा हो सकता। अभी फिलहाल टाइम इज 5:16, सो अपन जाके टेबल ऑक्यूपाई कर लेके बैठ गए, तो आराम से जब तक इवेंट चल रहा है जब तक बैठे हुए रह सकते। उसके बाद मैं अवार्ड ले के खाले पी लेके सो गए, फिर निकल के वरंगल चले गए, खत्म है मसला, एकदम आराम से जा रहा अपना टाइम। अपन जल्दा जल्दी भी नहीं करे, लेट हो रहा ये समझे थे, मगर कुछ भी नहीं, आराम से, एवरीथिंग इज फाइन, सो वी गोइंग। कम। अच्छा, वाह, अच्छी है लिफ्ट। बिल्कुल यहाँ पे हमारी होटल है और यहाँ पे कन्वेंशन है, अपने को वहीं पे जाना है। सो वी फाइनली हियर और हम लोग एंटर होते होते मैडम रोक लिए, आप रजिस्ट्रेशन कर लो, रिबन बन लो, चले जाओ, बोले तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी। Any walks of life, like people from different walks of life, if they are, you know, with the growth in the influencer industry, you are part of now a large network. Thank you, buddy. Good to see you guys. Good to see you. Second edition of DIA. See, you look stunning, and I love the gold. Abhi, you're just saying it because I said aap sab ladkiyon ke liye. I'm telling you, you look amazing. Main ye soch raha hu ki इनको पैसे भी को बुलाएंगे इतने सारे लोगों को, क्योंकि इतनी आवाज तक किसी ने नहीं की जितना नबील अफरीदी के लिए आया है। ये सब दोस्त हैं क्या आपके? Dude is wearing Gucci glasses and all. Nice, and I love the jacket as well. I think it deserves to be the star fashion influencer. Brilliant, heartiest congratulations. How does it feel to win it? Thank you so much, DIA, for recognizing such talented influencers, bloggers, YouTubers. So I'm taking this award today, and the people who are not taking this award home, I want to see you. No, I want you to really work hard and see you taking this award next year. Thank you so much. Heartiest congratulations. Very well done. Look who we have here. अब्रार भैया, माशाल्लाह अब्रार भाई जबरदस्त दिख रहे हैं, एकदम फुल फिट एंड फाइन, एकदम बाल बाल हॉलीवुड हीरो के जैसा दिख रहे हैं, जबरदस्त। और यहाँ पे हमारे साथ मास भैया भी है। कब है वापसी तुम्हारी? कल सुबह में निकल रहा हूँ। वैसे कुछ बोलना चाह रहे हैं मेरे बारे में? द मोस्ट प्रॉमिसिंग अप एंड कमिंग टैलेंट इन द इंडस्ट्री इज मिस्टर नबील अफरीदी। फिर बोलो द मोस्ट प्रॉमिसिंग अप एंड कमिंग टैलेंट इन द इंडस्ट्री इज नबील अफरीदी। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। आई लव यू गाइस एंड ग्लैड टू हैव यू गाइस इन माय व्लॉग। तुम्हारे जूते बताओ जल्दी। अरे अरे, क्या जूते? थैंक यू सो मच। कैमरे के पीछे है हमारे आमिर बिन ईशा, अवार्ड के जीतने वाले। ये देखो कैमरे के पीछे, इतना बेहतरीन डायरेक्शन दे रहा है कैमरे के पीछे आमिर भैया। कंग्रेचुलेशंस। वी आल्सो हैव अब्दुल रजाक भाई हियर, श्रद्धा दास जो तेलुगु एक्टर थेरी भी थी, उनको इन्होंने क्या बोले, एक मिनट मैडम बोल गए, हल्लू प्रमोशन कर लिया चैनल का। और यहाँ पे बिलाल भाई भी है। इट वॉज नाइस मीटिंग यू गाइज और कंग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड। We have Zubair Bhai from Hyderabad Food Diaries. Congratulations for the award which you got. Star Foodie Influencer of the Year. MashaAllah. Yes. You are really hard working. You are amazing. Jitna bhi kaam dekha main aapka, bahut acha dekha mereko. That's nice meeting you, bhaiya. You are in Hyderabad, let me know.
अपन क्या करेंगे, प्रॉपर फूड ब्लॉग करेंगे जहाँ पे मतलब एक दिन में 4-5 जगह जाएंगे, पक्का पक्का पक्का, एक चीजा खाएंगे इंशाल्लाह. व्हेनेवर आई एम इन हैदराबाद नेक्स्ट टाइम पक्का अपन करेंगे साथ में. कांग्रेचुलेशंस, इट वाज नाइस मीटिंग यू. कांग्रेचुलेशंस, अल्लाह हाफिज़. बम फिस्ट. अ बिग 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 शाउट आउट टू ओवेस यासीन ऑफिशियल, यू नो बहुत अच्छे फोटोज लिए हमारे, बहुत अच्छे वीडियोस लिए हमारे. और शरीफ बच्चा, तो मेक श्योर यू गाइस गो एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल. सी यू, टेक केयर, बाय. थैंक यू सो मच. ये रहेगा थंबनेल. थंबनेल थंबनेल कैसा कैसा. फाइनली डन विद यू वॉट्स फंक्शन. फिलहाल टाइम देखो 10:12, 10:12. वॉट्स फंक्शन हो गया. डी आई ए सेकेंड सीजन 2021 इज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड. हम लोग वॉट्स फंक्शन तो 8:30 को ऐसा खत्म हुआ, फिर उसके बाद में हम लोग डिनर करे. मैं सबसे मिला, अब्रार भैया से, माज भैया, जुबेर भैया, ओसामा भाई, आमिर भाई, अब्दुलरजाक भाई. इट वॉज टू मच फन, इट वॉज अमेजिंग, आई लव्ड इट. अच्छा मजा करे, अच्छा खाए पिए, फोटो सुथरे, स्लोमोस लिए, ये वो करे. और अवार्ड मिला. हम वरंगल से हैदराबाद आए और कैसा नहीं मिलता. और एक्चुअली वहां पे क्या हुआ बोले तो, मैं ऐसा बैठे हुआ हूँ तो शायद थर्ड या फोर्थ कैटेगरी चल रही थी. लाइफस्टाइल के बाद फैशन आया, फैशन के बाद 2-3 कैटेगरीज के बाद यूट्यूब कैटेगरी आता. तो मैं मेरा अवार्ड यूट्यूब की कैटेगरी में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अनएक्सपेक्टेडली हम लोग कैमरा वैमरे पूरे बंद करके ऐसा बैठे हुए हैं. फैशन की कैटेगरी में स्टार फैशन इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर गोज टू नबील आफरीदी. बोल के बोलते कि वो एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, एक तरफ नर्वसनेस था, क्या था नहीं मालूम. लास्ट टाइम आई वाज मोर कॉन्फिडेंट, बट सडनली मतलब जब अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और जब एकदम नाम आया तो समझ रहे वो अलग ही फील थी. चढ़ा मैं ऊपर, चढ़ने के बाद में वो जो एंकर साहब थे उनो और श्रद्धा दास जो एक्टर थी, दे बोथ अप्रिशिएटेड मी स्पेशली माय आउटफिट. एंड स्टार फैशन इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला नबील आफरीदी को DI 2021. और शर्जील भैया को बडिंग फैशन इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला. आई एम वेरी थैंकफुल. थैंक यू सो मच DI फॉर रिकॉग्नाइजिंग सच टैलेंट. यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एवरीबॉडी, हर किसी को हर साल एक अच्छा हैप्पी ओकेशन रहता, एक अच्छा हैप्पी मोमेंट बोल सकते हैं. तो वो मेरे लाइफ में जो है एक यूट्यूब फैन फेस्ट है और एक DI अवार्ड्स फंक्शन है. लास्ट ईयर मैं जब आया था आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड दिस ईयर आई एम वेरी हैप्पी टू. शर्जील भैया भी रहे तो अच्छा था बल्कि फील करा. मोहम्मद शर्जील अली बोल के अनाउंस करे वहां पे, मैं जाएंगे बोले तो मेरा नाम उसके बाद में आया. तो मैं फिर फयाज को भेजा, फयाज जाके कलेक्ट करा शर्जील भैया का अवार्ड. दो भाइयों को अवार्ड मिले. शर्जील भैया वॉज मेजर मिसिंग, रहते तो अच्छा रहता था. और ये हैम्पर्स भी मिले पिस्ता हाउस के, मस्त. शर्जील भैया का एक है और मेरा एक है. जो कोई भी इन्फ्लुएंसर मेरा वीडियो देख रहे, अगर आप लोग आज अवार्ड घर लेके नहीं गए तो आई वॉन्ट यू टू रियली वर्क हार्ड, टेक दिस अवार्ड नेक्स्ट ईयर. आई शुड हैव टू सी यू टेकिंग दिस अवार्ड. और ये PR पैकेज भी मिला जिसको मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पे अनबॉक्स करता हूँ. उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करो, एंड टर्न ऑन लाइव स्टोरी पोस्ट IGTV नोटिफिकेशन. एंड दैट्स इट गाइज. अच्छा मजा आया, बहुत सारे नए नए लोग मिले. थोड़ा रेस्ट करके मैं इंस्टाग्राम खोल के देखता हूँ, जो जो भी लोग टैग करे सबका रिपोस्ट करता हूँ. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कॉन्टैक्ट में आए, कनेक्ट हुए. हैदराबाद फूड डायरीज के जुबेर भाई से मिलकर भी बहुत अच्छा दिखा, और अब्रार भैया वॉज अनएक्सपेक्टेड. दैट्स इट गाइज. आई मैं बात करते रहूँ तो बात करते ही रहता हूँ, बिकॉज मैं बहुत खुश हूँ. तो 10-15 मिनट भी बात कर लेता हूँ. दैट्स इट. आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो टिल हियर, बिकॉज इसके बाद अवार्ड फंक्शन तो हो गया, अब घर वापस जाना है वो कल. अब आज रात कैसी गुजरती है आई एम नॉट श्योर, बट होप यू लव दिस वीडियो. देन लाइक दिस वीडियो, हिट थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू लाइक एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऑल्सो अगर सब्सक्राइब नहीं करके वीडियो देख रहे तो सब्सक्राइब करो, एंड टर्न ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन माय एवरी अपडेट. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हमर दर्द रे ते को जब से ठहरेवा था तू एटला फील है नो नन्ना अमिता जोशी चाला हैप्पी का फील है. अरे फेक चेक करा प्लीज, फेक और एजेंट रहा है. शर्जील भैया थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड. शर्जील भैया का अवार्ड है. शर्जील भैया को बहुत शुक्रिया अदा फील कर रहा है, बिकॉज इन एक्सपेक्ट नहीं करा कि इन्हें स्टेज पे चढ़ेंगे और सडनली हम लोग इसको स्टेज पे भेज दिया. बिकॉज मेरे अवार्ड के लिए मेरे को जाना था, शर्जील भैया के अवार्ड के लिए शर्जील भैया को जाना था, मगर वहाँ शर्जील भैया नहीं थे तो इसलिए हम लोग फयाज को भेज दिए थे. बोल दिया ना उन्होंने. दोस्तां कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, और लगा दोस्तां वो गुस्से में बात समझ रहे, अप्रिशिएट नहीं करते, समझ जाना बस इतना ही से. बाय बाय. बहुत बहुत देर दिल से मोहब्बत और प्यार है, मुंह से अप्रिशिएट नहीं करते, छोड़ो. राइट, अल्लाह हाफिज़.